Guys, today I am sharing very simple, easy and delicious vegetable stir fry. Although we always fry vegetable, but today we will fry vegetable in a different way. Hi guys, welcome back to my channel. Guys, if you like this video, please don't forget like, share and subscribe my channel. And also press the bell icon ताकि आपको इसी तरह easy and different recipes देखने को मिले। तो चलिए guys शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है beans, carrot। इसे मैंने पहले से अच्छी तरह wash करके इस तरह cut कर लिया है। अब मैंने लिया है cauliflower and broccoli। इसे भी मैंने wash करके इस तरह cut कर लिया है। अब मैंने लिया है one big size की onion। अब मैं इसे इस तरह बारीक कट लगा रही हूँ। अनियन कट लगा दिया है मैंने। अब मैंने लिया है टोमेटो। मैं कुछ इस तरह कट लगा रही हूँ, आप अपना पसंद से कट लगा सकते हो। टोमेटो भी मैंने कट कर रेडी कर लिया है। अब मैंने लिया है ग्रीन चिलीज। मैंने 7 से 8 ग्रीन चिली लिया है। ग्रीन चिली कट कर रेडी कर लिया है मैंने। अब मैंने लिया है एक छोटी सी बाउल। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ सोया सॉस 1 टीस्पून। अब मैंने ऐड किया है शुगर 1 टीस्पून, रेड चिली सॉस 1/2 टीस्पून, व्हाइट सेसम है 1 टीस्पून। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मैंने सॉस प्रिपेयर कर लिया है। अब मैं इसे साइड में रखती हूँ। अब यहाँ मैंने गैस पर एक कढ़ाई लिया है। अब मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल 5 टीस्पून। ऑयल गर्म होने के बाद अब मैं डाल रही हूँ कॉलीफ्लावर जो मैंने काट कर रखी थी। अब मैं इसे डाल रही हूँ। वेजिटेबल फ्राई करने टाइम फ्लेम को हाई रखनी है। इस तरह हाई फ्लेम में वेजिटेबल फ्राई करना है। अब मैं ऐड कर रही हूँ ए पिंच ऑफ सॉल्ट। नमक एक बार से ज़्यादा ऐड नहीं करना है। इस तरह पिंच के बराबर नमक ऐड करना है वेजिटेबल फ्राई करने टाइम। कॉलीफ्लावर मैंने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई किया है। फ्राई हो गया है कॉलीफ्लावर। अब मैं इसे ऑयल से निकलकर एक प्लेट में रख रही हूँ। अब मैं इसी ऑयल में डाल रही हूँ ग्रीन बीन्स एंड कैरोट। इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। अब मैं ऐड कर रही हूँ ए पिंच ऑफ सॉल्ट। वेजिटेबल फ्राई करने टाइम इस तरह थोड़ा सा नमक ऐड करने से वेजिटेबल फ्राई होने के टाइम थोड़ा सा नमकीन भी होते हैं। दो से तीन मिनट हो गया है कैरोट एंड ग्रीन बीन्स फ्राई हो गया है। अब मैं इसे ऑयल से निकलकर एक प्लेट में रख दिया है। अब मैं फ्राई कर रही हूँ ब्रोकली। इसे 1-2 मिनट के लिए सिर्फ फ्राई करना है। ब्रोकली फ्राई हो गया है। अब इसे भी मैं निकलकर एक प्लेट में रख रही हूँ। अब मैं इसी कढ़ाई में अगेन कुकिंग ऑयल 3 टीस्पून ऐड किया है। अब मैं डाल रही हूँ चॉप अनियन। मैंने 1 बिग साइज की अनियन लिया था, इस तरह चॉप कर लिया था। प्याज फ्राई करने टाइम फ्लेम को मीडियम रखना है। अब मैं ऐड कर रही हूँ फाइन चॉप जिंजर गार्लिक। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इस तरह गुलाबी गुलाबी रहना चाहिए। अब मैंने जो सॉस प्रिपेयर करके रखी थी अब मैं इसे डाल रही हूँ। प्याज और सॉस कम से कम 1 से 2 मिनट इस तरह कुक करना है। अब मैं इस स्टेज में ऐड कर रही हूँ फ्राई वेजिटेबल।
अब लास्ट में ऐड कर रही हूँ टोमेटो। अब मैं ऐड कर रही हूँ नमक, नमक आप अपना टेस्ट का अकॉर्डिंग डालिएगा। आप वेजिटेबल ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि पहले से वेजिटेबल फ्राई किया हुआ है, इसलिए सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह सॉस के साथ कुक करना है। अब मैं इस स्टेज में डाल रही हूँ चॉप ग्रीन चिलीज। मैंने वाटर ऐड नहीं किया है क्योंकि स्टीर फ्राई करना है, इसलिए इस तरह स्पैचुला या चम्मच से चलाते रहना है। ये देखिए गाइस, वेजिटेबल फ्राई हो गया है। अब मैं एक प्लेट में सर्व कर रही हूँ। वेजिटेबल फ्राई बनके तैयार है। अब मैं ऐड कर रही हूँ सेसमे ऑयल। ये एकदम से ऑप्शनल है गाइस, आपके पास हो तो आप इस तरह ऐड कर सकते हो, नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। इसके बिना भी वेजिटेबल की टेस्ट अच्छी आएगी इस तरह फ्राई करने से। गाइस आप देख सकते हो, वेरी सिंपल इजी एंड डिलीशियस वेजिटेबल स्टीर फ्राई बनके तैयार है। आप इसे रोटी, परोठा, पूरी या राइस के साथ भी सर्व कर सकते हो। गाइस आपको ये रेसिपी कैसे लगी है कमेंट में बताइए। गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।